मैंने अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर मेन यही है कि वैसे अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें। हाय गाइस, आई एम निशान चाहर, मैं इनकमिंग एसडी एट माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में ना हम एक ऐसे बंदे के साथ बात करने वाले हैं जिसने आईआईटी जेईई 2017 में AIR 72 निकाली थी, एंड उसके बाद अभी उसने करंटली आईआईटी दिल्ली में हाईएस्ट पैकेज निकाला है डोमेस्टिक, दैट इज 72 लाख रुपीज, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यार उससे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उससे आईआईटी दिल्ली की प्लेसमेंट्स, तुम अगर बायोटेक लेना चाह रहे हो या टेक्सटाइल लेना चाह रहे हो तो प्लेसमेंट्स का क्या सीन होता है, मतलब शुरू वाली का तो हमें सबको पता ही होता है कि यार टॉप ऑफ द लाइन मतलब पैकेजेस मिलते हैं वहाँ पे, बट अगर तुम्हारे पास 5-6 thousand के अराउंड तुम्हारी रैंक आई है एंड तुम्हें फिर सोच रहे हो कि तुम्हें टेक्सटाइल बायोटेक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम उस वीडियो में जान सकते हो। ठीक है, बाकी यार बहुत बढ़िया बंदा है, मेरा स्कूल फ्रेंड है तो इससे बात करेंगे आगे। तो यार पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो यार अर्श अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। हाय निशान ने बताया, मेरा नाम अर्श है और मैं अभी आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, और अभी मैंने क्वाडे ज्वाइन करा है। तो बेसिकली मेरे को 4 कंपनीज में प्लेसमेंट ऑफर्स मिले थे, ग्रेविटॉन, क्वाडे, माइक्रोसॉफ्ट और ये अपना गूगल। तो गूगल मेरा ऑफ कैंपस था, बाकी 3 ऑन कैंपस थे, और अभी मैंने क्वाडे चूज़ कर लिया। क्वांट कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड HFT कंपनी है, और इसमें मेरा रोल होगा स्ट्रेटजिस्ट का। तो यार अर्श ना मेरा स्कूल का दोस्त है, हम सेम क्लास में थे 2-3 साल तक लगातार। फिर इसने क्या करा था, नारायणा का एक एपेक्स बैच होता है जिसमें मतलब स्टार्टिंग से 8th क्लास से 9th क्लास से तुम्हें जेई की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इसने वो ज्वाइन कर लिया था। फिर इसने 2-3 साल लगातार मस्त जेई की प्रिपरेशन करी। फिर मैंने जब 11th में नारायणा ज्वाइन करा नॉर्मल वाला, तो जब तक ये वहां पर फोड़ चुका था, मतलब 11th 12th का सिलेबस खत्म कर चुका था, ये पता नहीं अलग ही लेवल पे चल रहा था, जो मेरे से सीनियर बैच थे उनके टेस्ट देता था, एंड हमें पता था कि ये बहुत ही फार रैंक लाने वाला है, एंड फिर ये ले आया। ठीक है, इसने AIR 72 राइट, AIR 72 लेके आया था भाई ये 2017 IIT JEE में यार। ठीक है, तो इसकी प्लेसमेंट भी देखो, 4 कंपनीज में प्लेसमेंट हुई। तो थोड़ा कॉलेज लाइफ वगैरह के बारे में जानते हैं यार, कि IIT दिल्ली का जो टैग है उसके साथ कॉलेज लाइफ कैसी होती है, क्या क्या चीजें वहां पे मिलती हैं हमें अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यार दिस मैसेज फ्रॉम अनअकैडमी, तो यार अनअकैडमी ने जेई 2021 के लिए स्टार क्रैश कोर्स वाला बैच स्टार्ट किया, इसमें तुम जिस एजुकेटर का नाम लोगे ना वो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। तो यार इसमें तुम्हें सुरेश द्विवेदी सर मिल जाएंगे, नरेंद्र अवस्थी सर मिल जाएंगे, विशाल कुमार जयसवाल सर मिल जाएंगे, विशाल जोशी सर मिल जाएंगे, ठीक है तुम्हें, और नमो कॉल सर मिल जाएंगे तुम्हें, मतलब जिन भी IIT JEE के एजुकेटर से पढ़ना है ऑलमोस्ट सबके सब हैं इसमें। तो तुम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके चेकआउट कर सकते हो बाकी डिटेल्स वगैरह। ठीक है, ठीक है। तो रन अकेडमी ने एक और बैच स्टार्ट किया तुम्हारा माइक्रो बैच, ठीक है, वो 2023 वालों के लिए है, JEE मेंस और एडवांस के लिए। इसमें तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, इसमें तुम्हें यार पंकज जोशी सर पढ़ा रहे हैं, नितिन जैन सर पढ़ा रहे हैं, नरेंद्र अवस्थी सर पढ़ा रहे हैं, महेंद्र सिंह चौहान सर पढ़ा रहे हैं, और विशाल कुमार जयसवाल सर पढ़ा रहे हैं। तो मतलब तुम्हें टॉप एडुकेटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा तो अगर तुम मेरा कोड यूज़ कर। बाकी अगर तुम्हें कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, कहीं पे भी तुम मेरे से पूछ सकते हो अगर तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह हो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक कॉलेज लाइफ में तो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए फ्रेंड्स। तो क्या था, IIT में अपने पीयर्स बहुत बढ़िया होते हैं एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि सारे स्टडीज, लेकिन हर चीज में एकदम कुछ लोग होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, तो वो इंटरेक्शन जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। प्लस अगर वैसे कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करें तो जैसे मैं फुटबॉल खेलता था या देखता था, तो फुटबॉल फील्ड अपना बहुत बढ़िया था, तो वहाँ वो अच्छा था। फिर अपना स्विमिंग पूल है, उसमें क्या कहते हैं क्रिकेट स्टेडियम है, एक ओपन एयर थिएटर है सब। फिर एक ना अपना फेस्ट होता है कल्चरल फेस्ट रॉन्देवू, तो हाँ। वो बढ़िया फेस्ट होता है, उसमें सारे एकदम दिल्ली से और थोड़े बाहर से भी आते हैं लोग, तो वो बहुत बढ़िया था। तो फर्स्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था उसमें, मतलब पहली बार ही जब था। फिर आगे तो 2 साल ही रहा उसमें, थर्ड ईयर में तो मैं किसी कारण से घर आ गया था, फोर्थ ईयर हुआ ही नहीं कोरोना के कारण। तो वैसे सही था कैंपस लाइफ वगैरह। फिर अपनी एक CS की ना उधर एक भारतीय बिल्डिंग करके जिसमें CS डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर बैठते हैं, तो वो बिल्डिंग बहुत बढ़िया थी। उसमें देखो 24 आवर लैब का एक्सेस रहता है, जहाँ तू जाके अपना किसी भी टाइम पे चले जा दिन में रात में कभी भी, और कुछ भी काम कर सकता है उसपे, कंप्यूटर्स वगैरह लगे रहते हैं लैब में, और इसके अलावा जैसे फ्री वाईफाई वगैरह रहता है, तो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं एकदम, ये सारी फैसिलिटीज अगर तू देखे। और हॉस्टल्स वगैरह भी, हॉस्टल्स एक्चुअली रूम्स तो कहेगा तू कि तो उतने बढ़िया नहीं है एज सच, सारे हॉस्टल्स में वही होता है, बट हाँ कुछ फैसिलिटीज हैं हॉस्टल में, जैसे अपना कॉमन रूम एक होता है उसमें AC वगैरह लगा रहता है, तो हम उधर ही बैठे रहते थे गर्मियों में। फिर ये सारी फैसिलिटीज हाँ मेरी।
और यार क्लब्स वगैरह कैसे हैं, लाइक सोसाइटीज होंगी, थिएटर होगा, ड्रामा होगा, उन सब के बारे में थोड़ा बता। लाइक स्पोर्ट्स में कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, लाइक स्पोर्ट्स की टीम्स वगैरह भी होंगी, एंड कल्चरल फेस्ट जैसे बताया रोंदे, वो तो मतलब नॉर्थ इंडिया का तो वन ऑफ द बेस्ट कल्चरल फेस्ट है। मतलब वहां पे बहुत ही बढ़िया लाइक आर्टिस्ट वगैरह आते हैं हर साल, एंड मैं खुद गया हूँ 1-2 साल, तो काफी मजा आता है रोंदेवू में। तो यार ये क्लब्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा बता। हाँ, जैसे अपने डिबेटिंग क्लब है, ड्रामा क्लब है और बहुत सारे कल्चरल क्लब्स हैं। तो मैंने डिबेटिंग ज्वाइन करा था फर्स्ट ईयर में अपने, और डिबेटिंग में लोग बड़े बढ़िया हैं एक्चुअली। मतलब जैसे DU वगैरह में हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं तो उधर जाते हैं, कुछ प्राइजेस भी जीतते हैं। मैं वैसे गया नहीं आउटडोर कभी, लेकिन इंडोर में बहुत पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा डांस क्लब है बहुत बढ़िया, रोंदेवू में कई बार प्राइजेस वगैरह मिले और बाहर भी हाँ जाते हैं। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है, वो भी काफ़ी अच्छा है, FACC है उसका नाम, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट करके। फिर टोटल मेरे ख्याल से 6 या 7 क्लब्स हैं ये अपने। एक BRC है, बोर्ड ऑफ रिक्रिएशनल करके, हाँ तो उसका पार्ट है बेसिकली सारा। और फिर एक स्पोर्ट्स के लिए BSA है, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करके। तो उसमें अपने स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, कोचेज वगैरह आते हैं बाहर से अपने ग्राउंड पे ट्रेन करने के लिए बच्चों को, फुटबॉल वगैरह के। टेनिस कोर्ट है बहुत बढ़िया, क्ले कोर्ट भी है और नॉर्मल कोर्ट भी है। फिर क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रॉपर पिच है, एकदम प्रॉपर साइज का वो सब है। बास्केटबॉल कोर्ट है बढ़िया सा। और हाँ, फिर तेरा एक इंडोर बैडमिंटन है, वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं जब इंटर IIT वगैरह होता है, तो ये सारी फैसिलिटीज यूज होती हैं। फिर अपना एक ना इंट्रा वो क्या कहते हैं, हॉस्टल कॉम्पिटिशन होते हैं जो पूरे साल चलते हैं, और एक जनरल चैंपियनशिप होती है जो फाइनली मिलती है। जैसे मैंने अच्छा पार्टिसिपेट करा था कुछ इवेंट्स में, उसमें से अपने हॉस्टल की टीम में होके, और हर स्पोर्ट्स के पॉइंट्स होते हैं जैसे मतलब फिल्मों में देखते हैं ना, तो उस टाइप से ही था। तो वो सब चीज़ें बहुत शुरू शुरू में बहुत ऐसे लगती है कि बहुत बढ़िया है। फैसिनेटिंग। हाँ, हाँ और तो मैंने एथलेटिक्स, फुटबॉल, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट ईयर में। तो सही ओके, अच्छा तो एक्सपीरियंस था इन टर्म्स में अगर तुम बोलो। यार वही ना कि मतलब ऐसा लोग सोचते हैं, एक मिसकंसेप्शन होता है कि IIT में बस घिसू लोग जाते हैं, बस वहां पे पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम। ऐसा नहीं होता, मतलब ठीक है जाने से पहले काफी पढ़ना पड़ता है, बट जाने के बाद वहां पे फुल मस्ती होती है। तुम देखो इतनी सारे कल्चरल फेस्ट होते हैं, इतनी सारी सोसाइटीज होती है, इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं। हम देखो हॉस्टल में तुम, मतलब IIT में हॉस्टल मैंडेटरी होता है, जिन लोगों को नहीं पता, तो हॉस्टल में ही हर पूरे साल ऑल अराउंड एक्टिविटीज चलती रहती है। तो अब जिस चीज का तुम सबको वेट था भाई, कि प्लेसमेंट्स का क्या सीन होता है IIT में। मतलब ठीक है टॉप IIT दिल्ली में टॉप 5,000 स्टूडेंट्स के अराउंड चले जाते हैं, 5,000-6,000 रैंक के तक क्लोज हो जाती है IIT दिल्ली। ठीक है, अब वो शुरू का तो मैं पता ही है कि यार CSE एंड जो स्टार्टिंग की स्ट्रीम्स होती हैं उनमें तो मस्त प्लेसमेंट होती ही होगी, मतलब टॉप ऑफ द टॉप, इंडिया के टॉप माइंड्स वहां पे हैं। बट और ओवरऑल प्लेसमेंट्स का क्या सीन होता है, वो बताइयो। ओवरऑल प्लेसमेंट भी यार मैं कहूँगा कि अगर तो किसी भी डिपार्टमेंट में ना, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट कोर्सेज जो होते हैं ना, वो बहुत कॉमन कॉमन भी रहते हैं दूसरों से। जैसे कोडिंग वोडिंग सबको आ रही होती है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी बेसिक्स तो इसलिए क्या हाँ होता है कि तेरे पास ऑप्शन रहता है एंड ऑफ द डे कि तू IT में चले जाए। अगर मान लो कोर में तेरे पास, तेरे को लग रहा है कि मेरे को कोर में इंटरेस्ट नहीं है, कम ऑप्शन लग रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब बहुत डेटा साइंस रोल्स में चले जाते हैं, बहुत होते हैं जो कंसल्टेंसीज में चले जाते हैं। जैसे तू इन क्लब्स का अगर पार्ट होता है ना, डिबेटिंग क्लब वगैरह का, तो तेरे स्किल्स थोड़े बढ़िया हो जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके कारण तेको बहुत फायदा मिलता है इन सब चीज़ों में, अगर तू कंसल्टेंसी में जाता है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं, और दिल्ली में पर्टिकुलर ऐसा होता है। बाकी IITs में कम, अगर किसी को जाना है सिविल सर्विस तो दिल्ली में आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 3rd-4th ईयर से अपना कोचिंग लेने लगते हैं कहीं बाहर में, और फिर मतलब वही है कि अटेम्प्ट्स लेते हैं उसके बाद। तो काफ़ी मतलब हमारे सीनियर्स भी रहे हैं जिन्होंने अच्छी रैंक निकाली है सिविल सर्विसेज में, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। ऑल इन ऑल अगर जो लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं उनमें से मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सबकी ओवर द प्लेसमेंट पीरियड, लाइक जो हमारे जैसे 1st-13 दिसंबर होता है एक प्लेसमेंट सेशन पहला, और उसके बाद फिर सेकेंड सेशन जनवरी से स्टार्ट होता है, उसमें कुछ कंपनीज और आती हैं प्लस ऑफ कैंपस वगैरह मिला के, तो 90-95% प्लस स्टूडेंट्स तो आराम से प्लेस हो जाते हैं। फिर कुछ बच जाते होंगे किसी कुछ डिपार्टमेंट से, बट फिर ये है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस ट्राई करते हैं बाहर, कुछ स्टार्टअप्स खोल लेते हैं अपने कॉलेज से निकलते ही, तो ये वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो ये ओके, तो यार कुछ एवरेज बेस पैकेज वगैरह का कोई आइडिया है कि एवरेज CTC कितना जाता है पूरे कॉलेज का, लाइक किसी भी ब्रांच का? और ब्रांच में कंपनीज वो करती हैं डिफरेंशिएशन, लाइक अगर कोई बंदा टेक्सटाइल का है या कोई सिविल का है, क्या सारे लोग ये IT फर्म्स में बैठ सकते हैं, या फिर उसमें भी कुछ होता है कि कुछ बैठने देते हैं कुछ नहीं बैठने देते हैं? नहीं, हाँ वही डिफरेंशिएशन थोड़ा सा है। जैसे कि अपनी में जो HFT कंपनीज है, तो ये बस 3 ब्रांचेस के लिए खुलती है मेनली, CS, मैथ्स और इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल ओके इलेक्ट्रिकल जनरली खुल जाती है हमेशा। हाँ, कुछ कंपनीज 1-2 होती है जो इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं खुलती, बस CS मैथ्स के लिए। बट जो टेक कंपनीज हो सारी इलेक्ट्रिकल, CS मैथ्स तो ऑलवेज रहेगा उसमें, और
मैकेनिकल और अपने टेक्सटाइल बायोटेक वगैरह सबको भी अलाउ कर देते हैं, कुछ नहीं भी करती हैं कंपनीज, तो जैसे स्टार्टअप है इनको किसी पर्टिकुलर रोल के लिए कोई बंदा चाहिए, तो उस केस में वो हो सकता है सिर्फ सीएस को फोकस करे, इलेक्ट्रिकल फोकस करे। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इररिस्पेक्टिव ब्रांच तेरे को बस वो चीज़ आनी चाहिए उस पर फोकस करती हैं, तो अपना वो चीज़ तो है ही रहता थोड़ा। और बाकी एवरेज सीटीसी मतलब सच फिगर तो मुश्किल है कोट करना, क्योंकि क्या होता है कुछ इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिल जाते हैं इसमें, हाँ। और वो थोड़ा बढ़ा देते हैं मतलब इन सब चीज़ों को। इन जनरल अगर देखें इंडिया में ना, तो अपने सी एस में मेरे ख्याल से 25 के सीटीसी के ऊपर मतलब ऑल समझ लें कि 70-80% ऑफर्स जो 25 सीटीसी के ऊपर ही रहते हैं, और उसके बाद फिर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा जैसे 10-15 मतलब टेक्सटाइल वगैरह की बात करो, टेक्सटाइल बायोटेक वगैरह, तो 10-15 के रेंज में या उसके ऊपर रहते हैं तेरे 80-90% ऑफर्स। 10 से कम ऑफर जनरली नहीं देखे हैं मैंने जो किसी को, जैसे किसी को मान ले ऑफर अगर आए भी कोई कंपनी दिया भी, तो वो फिर ऑफ कैंपस कहीं पे जाके कुछ दूसरा ट्राई कर लेते हैं, तो बहुत कम ऑफर्स हैं जो 10 से कम में रहते हैं, तो ये है। ओके, तो मतलब ओवरऑल प्लेसमेंट्स का स्टार्ट बहुत ही मतलब मस्त होता है, इसीलिए इतनी हाइप है, वो हाइप सही है क्योंकि सबकी प्लेसमेंट हो ही जाती है अगर आईआईटी बंदा चला जाए तो। बढ़िया यार, बाकी यार थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। कुछ सजेशंस वगैरह हो यार तेरे लिए जो भी आईआईटी जीए की प्रेप कर रहे हैं या फिर अभी कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए, तो वो बता दे थोड़े से। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर मेन यही है कि वैसे अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें। जैसे जेई प्रिपरेशन में यही होता था कि कुछ टाइम जैसे अपना कोई टेस्ट खराब चला गया, फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो ऐसा लगता है कि यार अब होगा नहीं होगा ऐसा करके डाउट्स थोड़ा हो जाता है ना, तो उस टाइम भी अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा उस फेज में, लेकिन अगर वही चीज़ करते चले जाएँ, और ऐसा होगा कुछ टॉपिक्स वीक वगैरह रहेंगे एंड तक, बट वही स्ट्रांग करते रहना है अपना हर, अपने पास 2 साल है, कभी कभी 3 साल होते हैं किसी के, तो उस पीरियड में अगर अपना काम करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे बाकी लोगों से कॉम्पिटिशन है, तो अगर किसी टाइम पे हम काम कर रहे हैं और दूसरा नहीं कर रहा है तो हम थोड़ा आगे तो होते ही जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी जो कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं इस बार तो थोड़ा तो मिस करेंगे शुरू में, बिकॉज कोरोना के कारण कॉलेज नहीं खुले हैं, तो है वो चीज़, बट स्टिल मतलब मैं कहूँगा कि कॉन्टैक्ट वगैरह बनाने की फिर भी कोशिश करें, मतलब घर पर भी, क्योंकि मैंने देखा है सीनियर से अगर अच्छे सीनियर से कॉन्टैक्ट रहता है और अपने पीयर से भी अगर बढ़िया डिस्कशन वगैरह होता है ना, तो ये बहुत फायदा देता है एक्चुअली, वही ग्रोथ कराता है। तो अभी जो नए कॉलेज में ये और मुश्किल है, बिकॉज देखो बस क्या कहते हैं कॉलेज देखो ऑनलाइन ज्वाइन करना है, right. इसमें इंटरेक्शन वगैरह डिफिकल्ट होता है, बट अगर कहीं से कॉन्टैक्ट मिल जाए सीनियर का किसी के थ्रू या दोस्तों के साथ, तो वो इंटरेक्शन बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करेगा आगे जाके, और जैसे रेफरल्स वगैरह भी अपने होते हैं ना, तो ये भी बहुत हेल्प करता है बाद में सीनियर से कॉन्टैक्ट जो होता है, तो ये है। ठीक है यार, ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच यार फॉर टेकिंग आवर टाइम। अभी इसकी ना जॉब भी स्टार्ट हो गई है, 1 जून से इसने ज्वाइन कर लिया था एंड अब काम भी कर रहा है साथ साथ, तो टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू तेरे को। अब ऐसे यार और वीडियोस भी आएंगे तुम्हारे लिए इस टॉपिक पे कि लाइक आईआईटीज में जो इतनी हाइप है वो सही है कि नहीं है, मतलब वहाँ पे सबकी प्लेसमेंट्स हो जाती है अगर जाओगे तो, और चीजें भी मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, तो यार थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। मेरे को भी बहुत मजा आया बात करके मेरे साथ। चलो ठीक है यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अर्श के लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर कनेक्ट करना हो तो अर्श से कर सकते हो। ठीक है, तो यार इतना ही था आज वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।